पठानकोट के वार्ड नंबर 23 के इलाके में पड़ते जलंधर डलोजी बाईपास पर शाह कलोनी मोड़ पर लगे कूड़े के बड़े बड़े ढेर, शहर में साफ सफाई व्यवस्था वे विधायक बीच के साफ सफाई के बड़े बड़े दावों की हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं मौके पर वार्ड के लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि इस मोड़ पर पिछले कुछ महीनों से लगातार ये कूड़े के ढेर इसी तरह लगे हुए हैं। इस ओर ना तो कोई विधायक का ध्यान है और ना ही निगम कर्मी का। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में निगम अधिकारियों को फोन करके इस समस्या के प्रति बताने की कोशिश की जाती है तो वह फोन नहीं उठाते। वहीं वार्ड पार्षद रजनी बाला ने कहा कि वह भाजपा की पार्षद हैं और इसीलिए उनके वार्ड के साथ पक्षपात किया जाता है और जिस कारण निगम अधिकारियों को कई बार वार्ड की समस्याओं के बारे में बताया गया लेकिन कोई भी निगम अधिकारी समस्या को नहीं सुनता। और वहीं उन्होंने निगम मेयर भाटिया से मांग की है कि उनके वार्ड में जो भी समस्या है उसका पहल के आधार पर हल किया जाए। समस्या ये थी, देखा ढेर लगे थे कूड़े दे, ते काफी दिन तो मतलब जदों दी बरसात शुरू हुई बुरा हाल होया, लोग आगे कूड़ा सुटते हैं, सेंटर इंस्पैक्टर फोन करीदा फोन ही नहीं चुकता, कोई ध्यान नहीं ना, जो एक दो बारी कहा भी है मैं उधरों सुनता तो उधरों कढ़ दिंदा, वो कहता मैनू प्रैशर है जी एम एल ए का, काम नहीं करने बीजेपी की वार्ड के, तो मैं पूछना चाहना भी इतने कोई बीजेपी वाले थोड़े रेंदे है सारे, कोई इन्होंने बीजेपी थोड़े वोटा पाई दी, कांग्रेस भी वोटा पाई दी। देखो बरसात दिन अजकल जिदा कोविड करके है ये बीमारियां फैलनिया, इन्ना क गंद है रोड के उत्ते, शाह कलोनी की मेन एंट्रेंस है तो ये इन्ना क बुरा हाल है, तो कहें जी अभी चार 400 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया शहर का विकास कराया, देखो विकास लभन डाया जी सामने, मंग साड़ी यही भी इनू साफ सफाई की की जाए, इनू बिल्कुल साफ सुथरा बना रखा जाए, जो कूड़ा रूटीन चुकया जाए। मैं फोन ही नहीं चुकता जी, जानू चलो त्रै उन्हें फोन ही नहीं चुकना। सर समस्या जो मैं एम सी बनी समस्या ही काफ़ी है, हूँ तो बरसात वगैरह शुरू हो गई हैं और जो हाउस की मीटिंग से उस टाइम भी मैं कहा कि शाह कलोन के बाहर बहुत ज़्यादा एक गंदगी का ढेर लगे उन्होंने उठाया जाए, उस टाइम कहते कि हाँ जी असी उठा देंगे कोई टेंशन वाली गल नहीं। हूँ मैं फ्राइडे भी कॉल की उ तुसीं उठाओ इन्हां नूं जो इतना गंदगी हैगी, पूरे शहर च भी काफ़ी गंदगी है, तुसीं उन्हां दा करो समस्या का हल करो, कहिंदे हाँ जी हो जाएगा पर इन्हां ने अज तक कोई काम नहीं किया है, सारे गंदगी का ढेर लगे हुए है जो आने वाले टाइम होर भी मरदा घर बन सकते हैं। और प्लीज़ मैं यही लगता कि वो बीजेपी तो कांग्रेस वाला करे करते हैं कि हाँ जी तुम बीजेपी के बंदे हो, जिस तरह कि हाउस की मीटिंग में भी आशु भैया है उन्होंने भी यह कहा कि असी प्रॉब्लम लैके मेयर सर को गए से मैं मास्क पाया ही तुम्हें कहा तुम साढ़े कांग्रेस का बंदा तो हराश रहे काम किस तरह कराइए, और मैं पूरी तरह यही लगता कि वो कांग्रेस के बंदे काम कराने उन्होंने बीजेपी के काम भी नहीं कराने है। मंग यही की जाती कि जिस तरह की कांग्रेस के काम हो रहे हैं बीजेपी के भी काम हो, सारे बंद ने सारी जी सारी पब्लिक है उन्होंने मिलकर मेयर चुने, मेयर उन्होंने एम एल ए भी उन्होंने चुने है, तो उन्होंने काम करो, साढ़े अपने परसनल थोड़े ना काम है उन्होंने काम, उन्होंने पूरे शहर की सफाई होनी चाहिए, गंदगी तो मुक्त होना चाहिए पठानकोट। देखो मैंने तुहाडे माध्यम राही अज पता चलिया कि उत्थे कूड़े का काफ़ी ढेर और मैं भी लंघना मैं कई बार देखता भी हैगा, साढ़े भी जिहड़े कर्मचारी है वैसे पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि साढ़े वालों सख्त हदायत इदां दे ढेर ना कि भी लगे जान, पर मैनू तुसीं दस्या मैनू लगता भी ठीक है तुसीं कह रहे हो वाकई उत्थे इन्ना ढेर हैगा, पर मैं उत्थों के लोगों भी कहना थोड़ा सुट्टन वेले भी अपना ध्यान रखन, वैसे असी इस गल दे विच वचनबद्ध हाँ भी असी लगभग 2 महीने के बीच इस एरिए लगभग कचरा रहित कर देंगे, साड़ी एक असी एक प्लैन करते पे हाँ, असी अगर वो अमल च लै आए ईश्वर चाहे भी वो साड़ा प्लैन अमल च आ जाए, क्योंकि उहदे विच सानूं साढ़े एम एल ए श्री अमित विज ने बड़ा अपना उन्होंने रोल प्ले किया, सानूं अपना पूरा अपना आशीर्वाद दिता, तो उहदी वजह नाल असी काफ़ी सारे कोई 100-125 मुलाजम असी रखन जा रहे हैं कारपोरेशन दे विच, ते जिन्हां करके असी पूरी साड़ी कोशिश हैगी है भी शहर नूं अही कचरे तो रहित कर पाईए, तो सानूं एक मौका दिओ महीना 2 महीने की गल आ असी इहनूं क्लीयर कर पाणा, और मैं फिर उहदे बाद आपां पक्का ध्यान रखा क्योंकि मेरी भी एक अपनी अपना मानना है भी लोगों नूं उदों ही कचरा सुट्टन तो रोके जदों कि असी उहनां नूं पहले शहर अपना साफ करके दे पाईए,
जो अं अपना शहर उन्होंने साफ करके दे पावे उसके बाद असी यह भी यकीनी बनावे लोग उत्थे कचरा ना सुट्टन जिहड़ी लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा हो रही है उसके वास्ते मैं क्षमा मंगना उन्होंने कोलों और मैं उन्होंने भरोसा दिलाना भी असी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एरिया से साफ सफाई दी उन्होंने अच्छा वातावरण साफ सुथरा वातावरण मिले। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।